सीएम सिटी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चोर सरेआम घर के बाहर वारदात कर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही मामला एक चार चमन में ज्वेलर का कार्य करने वाले के साथ घटित हुआ है। आपको बता दें कि ज्वेलर जब घर के बाहर खड़ा था तो अज्ञात नकाबपोश मोटरसाइकिल पर आए और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वारदात की तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें लूट की वारदात की सूचना मिली है। अज्ञात बाइक सवार लुटेरे वारदात कर फरार हो गए हैं। चोरों की तलाश प्रारंभ कर दी गई है। लुटेरों द्वारा सरेआम की गई घटना से आसपास के एरिया में दहशत का माहौल है। वहीं वहां के निवासियों ने कहा कि यहां पर पहले भी एक बार वारदात हो चुकी है, जिसमें चोर पर्स छीन कर भाग गए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को यहां पर ज्यादा से ज्यादा गश्त बढ़ानी चाहिए। ज्वेलर के साथ हुई इस वारदात से आसपास के दुकानदारों में भी गहरा रोष व्याप्त है। किस पे थे वो, किस चीज पे थे वो सर? जो लड़के हाँ जी, अच्छा वो बाइक पे थे। दो ही थे वो, मतलब नकाब पहन रहे या मास्क लगा रहे? सामने वाले का तो मुंह ढका हुआ था, कैप मंकी कैप कुछ इस तरीके से। कैमरे में हो गए, रिकॉर्ड हो गए सर? कैमरे में आई उनकी फोटोज वगैरह? मैंने उनको एसएचओ साहब को भी अभी दे दूंगा, वे बट मैंने व्हाट्सएप पे कर दिया है वीडियो। क्लियर है फेस उनका? क्लियर है सर? नहीं, फेस जो है तो नहीं समझ आ रहा। उन्होंने हेलमेट वगैरह डाल रखा था या नहीं? कैप डाली, कैप डाली। ये कैश किसे करण के हाथ से छीन के ले गए? बैग में नहीं, मनीष के हाथ से बैग में था। हां, एक पॉलिथीन था ऐसे हाथ में था, वाइट कलर का। कैश कितना था टोटल? आप काम लाइन था 3 लाख। कितने समय से कार्य कर रहा था? 15 साल से। 15 साल से? 15 साल से। एक बार एक विश्वास का बना है, बिल्कुल विश्वास। तो वो कहाँ से कलेक्शन? वो पहले तो इधर से आया है, उन्होंने वहाँ से एक बाइक मोड़ी है, वहाँ पे पहले उन्होंने देखा है, बिल्कुल यहाँ से लेके पीछे इधर वहाँ। इधर आगे तो गली बंद जैसे ही है, खुली है। यहाँ से आप राइट मोड़ेंगे तो पूरा सीसीटीवी में आया कुछ? पहले परिचित थे इस एरिया से? नहीं, ये तो हो ही सकता है, नया बंदा तो हो ही सकता है। दूर से इतने के पीछा कर रहे थे या पता नहीं? अब सिद्धू साहब ने बोला है अभी सारा सीसीटीवी वगैरह खंगाल लेंगे, देखेंगे कहाँ से पीछा कर रहे थे, कैसे वो पता लगेगा। अच्छा, इस चीज़ का पता लगेगा। ऐसा तो साहब मौका देखते रहे जी, वो देखे हैं, देखे। बाकी एस पी साहब कोई बात नहीं, अच्छा होगा जो भी होगा। क्या नाम है सर आपका? संजय। किस नाम से अपना शॉप यहाँ पे? श्री डायमंड ज्वेलर्स के नाम। ठीक है, धन्यवाद सर। तो सर कहीं व्यापार को लेकर देखो या बच्चों को लेकर देखो, आजकल मोल ही नहीं है, अपराध बढ़ता जा रहा है, तो डर तो बढ़ता जा रहा है। सीएम सिटी में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बस बड़ी राजी हर जगह ही बढ़ रहा है। हमारे साथ बड़ी बीती है, तो इसका मतलब बड़ी है। अभी चंद दिनों पहले भी जो था सेक्टर 5 में ऐसी वारदात हुई थी, वो भी पल्सर बाइक पर ही थे। दो दिन दिहाड़े हो रही हैं सारे जितनी भी ये वारदातें हैं, इनके हौसले बुलंद हुए हुए हैं, जो इनसे ये जितने स्नैचर हैं, चेन स्नैचर हैं, या इनको डर ही नहीं है कि सजा का डर नहीं है, डर होता तो ये काम ना करते, कहीं ना कहीं अपराधों पर लगाम नहीं लग रही। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये इनको सजा दी जाती है वो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई जो ये अपराध करते हैं कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर भी इस तरह के ऐसी सजा आनी चाहिए, बाकी के लिए भी एग्जांपल सेट हो, वो भी करते हुए डरे, करते हुए सोचे, एग्जांपल सेट होना चाहिए। इनको तो ये लगता है कि चलो ये अपराध किया, 2-4 महीने छोड़ दिया, उसके बाद फिर वही नॉर्मल हो जाएगा लाइफ, इस तरह का कोई एग्जांपल सेट करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद सर। आपके और एक और साथी था? एक और था जी। बस जैसे वो उधर से पेमेंट लेके निकला, फोन पे बात कर रहा है, उन्होंने एकदम से पहले वहाँ रुके, पेमेंट आपके हाथ में थे, दूसरे साथ मनीष के हाथ में थे, वो फोन पे किसी से बात भी कर रहे हैं, वो फोन मेरे को दे रहे थे, उन्होंने फोन दिया, मैंने कान पे लगाया, इतने में पेमेंट उनके हाथ में थी, एकदम से खींच के ले गए पेमेंट। ऐसे ही लेटेस्ट खबर पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.